हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर एक कमेंट आया था, उसमें एक व्यूअर की कन्फ्यूजन थी। उस व्यूअर ने लिखा था कि कंपनी बताती है कि स्पार्क प्लग 12,000 किलोमीटर पे चेंज होना चाहिए, पर आप बताते हैं कि 3,000 से लेके 5,000 किलोमीटर पे चेंज करना चाहिए, तो कौन सी बात सही है? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मेरे कुछ व्यूअर्स इस बात को लेके थोड़े से परेशान भी हैं कि किस बात को सही माने। तो फ्रेंड्स, कोई कहता है कि इतने किलोमीटर पे चेंज करना चाहिए और कोई कहता है इतने किलोमीटर पे चेंज करना चाहिए। तो आज मैं उसका रीज़न बताता हूँ कि अलग अलग क्यों कहते हैं लोग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 3,000 से 5,000 के बीच में आपको जो है स्पार्क प्लग चेंज करना चाहिए, हर सर्विस पे चेंज करना चाहिए। पर किसी किसी बाइक में बताते हैं कि 10,000, 11,000, 12,000 पे चेंज करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो क्या होता है कि हमारी जो जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं बाइक के, वो जो हैं अपनी जो अलग अलग बाइक्स में अलग अलग पार्ट्स डालते हैं। उनके इंजन का डिज़ाइन अलग अलग है, उनके डिज़ाइन अलग अलग है, उनके इंजन का जो है स्पेसिफिकेशंस अलग अलग हैं। टॉर्क ज़्यादा है, कोई ज़्यादा सीसी का इंजन है, तो अलग अलग बाइक में अलग अलग मॉडल के हिसाब से मैन्युफैक्चरर अलग अलग चीज़ रिकमेंड करता है। तो वो डिपेंड करता है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसके अंदर क्या पार्ट डाल रहा है, उसकी पार्ट की क्वालिटी क्या है, उसी हिसाब से वो उसके अंदर जो है उसकी सर्विस शेड्यूल भी है वो चेंज करता है। अलग अलग मैन्युफैक्चरर जो अलग अलग शेड्यूल रखता है हर बाइक के लिए। तो जब चीज़ें बाइक अलग अलग हैं, उनके जो पार्ट वगैरह अलग अलग हैं, इंजन का डिज़ाइन अलग है, तो इसलिए ही शेड्यूल भी अलग अलग रखा जाता है। अब जैसे इस कमेंट का हम ध्यान देते हैं कि उसको किसी ने बोला होगा कि 12,000 पे चेंज करना चाहिए और मैं बोल रहा हूँ कि हर सर्विस पे चेंज करना चाहिए, तो दोनों ही बातें सही हैं। वो कैसे, मैं बता देता हूँ। आइए देखते हैं, ये बजाज डिस्कवर की जो है बजाज डिस्कवर का यूज़र मैनुअल है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको अगर कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है या आपका कोई भी जो है सर्विस शेड्यूल, या मेरे कुछ व्यूअर्स पूछते हैं कि सर ये चेन सेट कितने किलोमीटर पर चेंज होना चाहिए, या स्पार्क प्लग हमें कितने किलोमीटर पर चेंज करना चाहिए, इंजन ऑयल कितने किलोमीटर पर चेंज करना चाहिए, तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मैं सजेस्ट यही करूँगा कि सबसे पहले आपको अपनी यूज़र मैनुअल को ही रिकमेंड करता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको अपने यूज़र मैनुअल को प्रेफर करना है। उसके बाद आप, अगर आपके पास यूज़र मैनुअल नहीं है, नहीं बाइक नहीं है, आपके पास यूज़र मैनुअल नहीं है, तो आप दूसरे लोगों से पूछिए। पर सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आपके जो यूज़र मैनुअल है वो आपको मिल जाए, चाहे ऑनलाइन आप ढूंढ सकते हैं या आपकी बाइक में हो तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये है डिस्कवर 125 के बारे में। ये जो इसका आपका यूज़र मैनुअल है, ये डिस्कवर 100 cc, 110 cc और डिस्कवर 125 cc के बारे में यूज़र मैनुअल है। तो आइए इसमें चलते हैं। सबसे पहले टाइप करते हैं स्पार्क प्लग, फ्रेंड्स यहाँ पे तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, CL, A और R। आइए इसका सबसे पहले मतलब समझते हैं। CL का मतलब है क्लीन, A का मतलब है एडजस्ट और R का मतलब है रिप्लेस। तो अब यहाँ पे स्पार्क प्लग के बारे में क्या कहा गया है कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कवर बाइक के बारे में लिखा हुआ है कि जो स्पार्क प्लग है क्लीन करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए या रिप्लेस करना चाहिए। ये तीन चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि स्पार्क प्लग को हम क्लीन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। अब आइए, 500 पे इस पे चेंज नहीं करते, ना इसको सेट करते हैं ना रिप्लेस करते हैं। इसमें 9,500 से 10,000 के बीच में क्लीन और वो बोला गया है, एडजस्ट बोला गया है। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है एवरी 5,000 किलोमीटर आफ्टर प्रीवियस सर्विस, यानी हर सर्विस पे आपको रिप्लेस करना चाहिए। अब डिस्कवर की यूज़र मैनुअल में तो आपने देख लिया कि हर 5,000 किलोमीटर पे आपको रिप्लेस करना चाहिए स्पार्क प्लग। अब आते हैं पैशन प्रो के ऊपर। ये मेरी पैशन प्रो की सर्विस मैनुअल है। इसमें अगर मेंटेनेंस शेड्यूल देखेंगे तो यहाँ पर स्पार्क प्लग वाले लाइन में देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं वंस आफ्टर फ्री सर्विस वंस एवरी 12,000 पे रिप्लेस करना है आपको। आप यहाँ देख सकते हैं हर 12,000 पे आपको रिप्लेस करना है, हर 2,000 किलोमीटर पे आपको उसको एडजस्ट करना है और उसको सेट करना है। तो हर 12,000 पे आपको रिप्लेस करना है, जबकि यहाँ डिस्कवर पे हर 5,000 पे लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हर मैन्युफैक्चरर जो है अलग अलग किलोमीटर पे अलग अलग आपके पार्ट्स का बताता है कि
आपको कब किस पार्ट्स को आपको रिप्लेस करना है या उसको एडजस्ट करना है या उसको चेक करना है। अब आते हैं, अब एक चीज़ और देखते हैं इसी यूज़र मैनुअल में, इसमें 10W30 डालते हैं। तो फ्रेंड आप यहाँ देख सकते हैं 110cc डिस्कवर को 110cc में 10W30 डालने के लिए रिकमेंड किया गया है और 125 में 20-50 डालने के लिए रिकमेंड किया गया है। तो फ्रेंड्स जैसे कि ग्लैमर है, ये 125 वाली जो बाइक्स हैं हीरो की बाइक्स हैं उसमें 10-30 डालते हैं, 125cc तक की बाइक में 10-30 डाल देते हैं, पर डिस्कवर बाइक में 125cc वाले में 20-50 डालने के लिए बोला गया है। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चर है वो भी अलग अलग बोल रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी पहली सर्विस, उसके बाद हर 10,000 किलोमीटर पे आपको रिप्लेस करना है इंजन ऑयल, ठीक है। अब आप अगर पैशन प्रो वाली यूज़र मैनुअल में आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं रिप्लेस इंजन ऑयल वंस इन एवरी 6,000 किलोमीटर पे, टॉप अप इन एवरी 2,000 किलोमीटर, यानी अगर 2,000 किलोमीटर पे उसको इंजन ऑयल उसमें ऊपर से डालना है, उसका लेवल बना के रखना है, और हर 6,000 किलोमीटर पे इंजन ऑयल को आपको चेंज कर देना है। पर वहीं डिस्कवर में क्या लिखा है, हर 10,000 किलोमीटर पे आपको इंजन ऑयल को चेंज करना है, हर 5,000 पे आपको टॉप अप करना है। तो यहाँ पे तो टॉप अप 5,000 हो गया और यहाँ पे 2,000 हो गया, यहाँ पे आपका 10,000 किलोमीटर हो गया और यहाँ पे आपका 6,000 किलोमीटर हो गया। तो फ्रेंड्स मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर यूज़र मैनुअल, हर मैन्युफैक्चरर अपनी अलग अपनी बाइक के इंजन के हिसाब से, अपनी बाइक के हिसाब से उसका जो शेड्यूल है वो अलग अलग टाइम पे बताता है। तो इसलिए आपको अपने सबसे पहले तो अपने यूज़र मैनुअल को प्रेफर करना चाहिए, और अगर आपके यूज़र मैनुअल नहीं मिल पा रही है तो आप फिर आप गूगल पे सर्च करके, एक जगह सर्च ना करें, कई जगह पे सर्च करें और आप किसी से पूछ सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। आप 3,000 से 5,000 के बीच में इंजन ऑयल चेंज कर देंगे तो आपका नुकसान नहीं है, पर अगर आप जिस बाइक में 6,000 किलोमीटर पर इंजन ऑयल चेंज होना है और अगर आप उसको 12,000 पे चेंज करेंगे, 10,000 पे चेंज करेंगे तो आपकी गाड़ी में नुकसान हो सकता है। इसलिए मैंने वही चीज़ बताई है कि आप 3,000 से लेकर 5,000 के बीच में इसको चेंज करें। तो आप अपनी यूज़र मैनुअल के हिसाब से उसको देखें, और अगर आपके पास यूज़र मैनुअल पर ध्यान नहीं देना चाहते तो आप वही करें जो आपकी बाइक के लिए बेटर है। आप जितना जल्दी उसके उसको इंजन ऑयल को चेंज कर सकते हैं, आप इंजन ऑयल की विस्कोसिटी के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, चिकनाई उसकी कम ना हो जाए। तो फ्रेंड्स डिपेंड ये भी करता है कि आपकी बाइक जो है कितने किलोमीटर चल चुकी है, आपकी जो बाइक का किस कंडीशन में चल रही है, वो किस एनवायरनमेंट में चल रही है। मान लो अगर धूल मिट्टी वाला एरिया है तो उसका एयर फिल्टर जल्दी गंदा हो जाता है तो उसमें जल्दी सर्विस मांगती है गाड़ी, और अगर आप सिटी वाले इलाके में रहते हैं, फ्लैट एरिया है, मतलब फ्लैट रोड्स हैं तो सीधे सीधे रोड हैं तो उसमें इतनी जल्दी सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो डिपेंड करता है कि आपके चलाने के तरीके के ऊपर और आपके एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कितनी जल्दी सर्विस मांगती है। कुछ लोग होते हैं जो गाड़ी को भगाते हैं तो उनका चेन सेट जो है जल्दी कट जाएगा, कुछ लोग होते हैं गाड़ी को नॉर्मल चलाते हैं 40 के 50 की स्पीड पे आराम से उठाते हैं तो उनका चेंज लंबा चलता है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।